your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the. जयराम जी के दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, फाइनली एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की ये वीडियो आपने थंबनेल और टाइटल देख के आपको लोगों को पता चल गया होगा कि किसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फाइनली मैं आज अपनी शक्ति की मॉडिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा, क्या क्या मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है, कितना क्या खर्चा आया है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि आपको टोटल खर्चे की इसकी में मतलब टोटल खर्चे का आपको बताऊँ अगली वीडियो के अंदर बना के, तो आप वो मेरे को बता देना। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अंदर करवा रखी है। ये अपनी शक्ति है जो एरोक्स 155 है, जिसका लुक ये देखिए, इस तरह से आपको लुक इसका दिखता है। और जो इसको मैंने बल्क मॉडिफिकेशन करा रखी है इसके अंदर, फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है इसमें मैंने ये इसमें क्रश गार्ड डलवा रखा है। और ये क्रश गार्ड का ये पूरा कॉम्बो है, यहाँ से लेके ये पूरा, और ये बैकेंड का है, ये पूरा कॉम्बो, एक कॉम्बो मिलता है इसके अंदर। यहाँ से ये देखिए इसका फ्रंट का लुक और ये साइड का लुक, और बैक से आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर आप अपने शटल बैग को, टॉप एंड बॉक्स को आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। और जिसमें कि कई बार क्या होता है कि कहते हैं आप बिना शटल बैग मतलब बिना अपना कॉम्बो के अगर आप इसको लगाते हो तो आपके शटल बैग जो होते हैं ना वो झूल जाते हैं, मतलब लटकते हैं इसके अंदर, टकराते हैं। तो आप इसके अंदर जो ये मैंने अपना क्रच गार्ड लगवाया है, बहुत हैवी मटेरियल में लगा रखा है इसको, तो इसमें आपका वो झूलेगा नहीं, इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर जो मैंने HJG के हेडलैम्प जो फॉग लाइट मैंने इसमें इंस्टॉल करा रखी है, ये देखिए ये जो कंपनी है HJG का कंपनी है, दोनों तरफ मैंने इसकी फॉग लैंप लगा रखी है। जो ये टोटल इसका रात को मतलब टोटल ये 40 वोल्ट का है, और रात के टाइम इसकी जो मतलब परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। दोनों तरफ फॉक्स लाइटर लगा रखे हैं, ये मैंने एक ये ब्लू कलर का ये फॉक्स लाइटर एक यहाँ पे लगा रखा है और एक यहाँ पे लगा रखा है। और ये फॉक्स लाइटर लगाने का मतलब ये है कि जो इसकी जो ये डिस्क का ये डिस्क सॉरी जो इसका सस्पेंशन होता है इसके ऊपर ये ना डैमेज नहीं होता है, इससे जो आपके शॉकर होते हैं इससे डैमेज नहीं होता, इससे प्रोटेक्शन बहुत सही रखती है। और ये हैवी मटेरियल में इसको मैंने लगवा रखा है, इसको फॉक्स लाइटर बोलते हैं इसका काम जो है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसके अंदर जो अपना एयर फिल्टर कवर है, जो ये कवर है ये स्मोकी ब्लैक के अंदर है, जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है वो प्योर ब्लैक होता है, प्लास्टिक होता है, लेकिन ये मैं थोड़ा लुक को इन्हेंस करने के लिए इसमें एयर फिल्टर कवर जो स्मोकी ब्लैक के अंदर लगवा रखे हैं। साथ ही साथ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसके अंदर लोकेशन देखने के लिए टिमटेक का कवर लगा रखा है इसके अंदर, जो लोकेशन देखने के लिए, और ये वाटर प्रूफ है बट ये विदाउट चार्जेबल है, इसमें चार्जिंग नहीं होती, ये वाटर प्रूफ है लेकिन। और हैंग कर रखा है इसको मैंने, इसके ऊपर ये एक बार लगवा रखी है, ये भी अच्छी हैवी मटेरियल के अंदर है ये, और इसको इसी में मैंने हैंग कर रखा है। अगर मैं ये अपना सिमटेक का जो मेरा एक गूगल मैप देखने का कवर है इसको अगर मैं अपने इसके अंदर क्लैंप करके लगाता तो कई बार क्या होता है ना इसके अंदर ना शीशे लूज हो जाते हैं, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने इसमें एक बार लगवाई है और उसके ऊपर इसको लगवा दिया है। इसके अंदर रेडिएटर ग्रिल कवर लगा रखा है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कंपनी की तरफ से क्या होता है ना इसके अंदर ब्लैक मतलब थोड़ा लुक को इन्हेंस करने के लिए ये रेडिएटर ग्रिल लगवा रखी है इसके अंदर, और ये भी काफ़ी मतलब लुक में क्या है थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, इसमें थोड़ा लुक अच्छी दिखती है। और फिलहाल अभी हाल फिलहाल में मतलब स्कूटी तो अपनी काफ़ी गंदी है, अपनी शक्ति काफ़ी गंदी हो रखी है, कोई नहीं इसको वॉश करा लेंगे बाद में। और रेडिएटर ग्रिल लगवाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसके अंदर मैंने अपनी जो ये देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, और यहाँ से मैं आपको प्लग दिखाता हूँ इसके अंदर मैंने एक तो जो वायरिंग करा रखी है, दो वायरिंग करा रखी है, एक हार्नेस की करा रखी है और एक हजार्ड करा रखी है। हजार्ड का मतलब क्या होता है, हजार्ड से मतलब ये आप इसको ऑन करेंगे तो आपके इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से ये ब्लिंक करते हैं, तो इसमें कई पैटर्न मिल जाते हैं आपको, बार बार आप मतलब चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ये चला के रखो। और
चेंज करोगे तो काफ़ी सारे 22-23 इसके अंदर पैटर्न मिल जाते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, इसके अंदर मैंने इस LED वाले बल्ब लगवा रखे हैं मैंने इसके अंदर, वो बल्ब भी चेंज कर रखे हैं। वो इसलिए जो कंपनी से स्टॉक वाले आते हैं उसकी लाइट इतनी फोकस नहीं करती, इसी वजह से मैंने इसके LED के बल्ब लगा दिए और स्टॉक वाले इसके चेंज करा दिए। और यहाँ पे साथ में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ब्लिंकर मैंने 2 लगा रखे हैं, ये भी रात में काफ़ी अच्छे से ब्लिंक करते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन दोनों का, ये दोनों एक साथ जलते हैं। देखिए अभी दिन हो रहा है तो इसी वजह से आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो दोनों ये मैंने 1000 का जो मैंने सिस्टम करा रखा, मेरे दोनों ब्लिंकर इसमें ब्लिंक करेंगे एक साथ। और साथ साथ में मैंने हार्नेस की जो मैंने इसके अंदर वायरिंग कराई है, हार्नेस की वायरिंग कराने से क्या होता है कि कहते हैं आपकी बैटरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपकी, और वो वारंटी भी आपकी कोलैप्स नहीं होती। जो क्रूज़र सीट है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये भी मैंने मतलब क्रोल बाग से इसको चेंज करवाया था। और साथ साथ बताना चाहूँगा, मैंने इसके अंदर जो क्लच बार का जो हमारा ये क्लच होता है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक ये सपोर्टर दे रखा है, क्लच बार बोलते हैं, तो ये मैंने इसलिए लगवाया, ये भी मेटल के अंदर है, ये भी मैंने इसलिए लगवाया इसको, ताकि क्या होता है कई बार मैंने देखा है कि और स्कूटी वगैरह एक तरफ गिर जाती है तो हमारे क्लच इसका मुड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान आता है। तो कल को अगर मान लो स्कूटी हमारी गिरती है तो इसके ऊपर इस पर इफेक्ट आएगा, ना कि इस पर इफेक्ट आएगा, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाती है अपनी स्कूटी। और जो HJG का मैंने ये फॉग लैंप यहाँ पे लगा रखे है, इसके मैंने बटन यहाँ पे दे रखा है, और इसके अंदर 2 ऑप्शन है, मतलब है तो टोटल 3, लेकिन 2 ऑप्शन है, जिसमें एक इसमें वाइट जलता है, एक येलो जलता है, एक येलो वाइट जलता है इसके अंदर। और ब्लिंकर भी है साथ में, ये देखिए यहाँ पे येलो कलर का रखा है, ये ब्लिंकर का काम करता है, जैसे फ्लैश डिपर मारते हैं ना बार बार जलता है, डिपर का काम करता है ये भी। और जो मेरा 1000 का मैंने सिस्टम करवा रखा है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, यहाँ पे जो रेड बटन है ये मेरा 1000 का काम करता है। तो फाइनली जो स्कूटी का लुक निकल के आता है आपके सामने है, देख लीजिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी शक्ति कैसी लगी, और ये आज की मेरी पूरी इसकी ये जो पूरी मॉडिफिकेशन है, अभी इसका नंबर नहीं आया, वैसे अभी 1-2 दिन में नंबर आ जाएगा, नंबर भी प्लेट यहाँ पे लग जाएगी। और फर्स्ट सर्विस तो हम करवा ही चुके हैं, अगर फर्स्ट सर्विस की मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे पीछे एक मैंने वीडियो डाल रखी है फर्स्ट सर्विस की, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो। तो टोटल लुक निकल के ये आता है इसका, तो काफ़ी बल्की लग रही है, और काफ़ी परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छा है, इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है, और 155 cc है, मतलब जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से मतलब वर्थ है, मतलब कंपनी ने जिस हिसाब से इसको प्राइस में दिया है उस हिसाब से बिल्कुल वर्थ है। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने भाई के चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।